एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी डिश, फटाफट बनने वाली सब्जी। घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इसकी सब्जी बना सकते हैं, पापड़ की सब्जी। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, एक पापड़, थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, मिर्च आपके स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा नमक। नमक इसमें कमी यूज़ करेंगे क्योंकि पापड़ में ऑलरेडी नमक होता है। पिसा हुआ धनिया एक चम्मच, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा, एक हरी मिर्च को बारीक कटा हुआ है और थोड़े से फ्रेश धनिया। पहले मैंने गैस ऑन की है, इसके ऊपर हम पहले पापड़ को सेक लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और जो भी मेरे चैनल पे नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजस्थान में पापड़ की सब्जी बहुत पसंद करते हैं लोग और बहुत बनाई जाती है, खाने में भी टेस्टी लगती है और फटाफट भी बन जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी बनाई हुई पापड़ की सब्जी कैसे लगी। ये देखिए हमारा पापड़ पूरा सिक के तैयार है। अब मैं गैस पर रख दूंगी कढ़ाई, इसमें डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम पापड़ को तोड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। पापड़ रोस्ट करके बनाते हैं, काफ़ी लोग पापड़ को कच्चा भी बनाते हैं, पर रोस्ट करके बनाने से सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं रोस्ट करके बना रही हूँ। इस तरह से हम सारे पापड़ को तोड़ लेंगे। मैंने पापड़ पूरे क्रश कर लिए हैं, देखिए छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से तोड़ लिया है। अब एक कटोरी में, एक कटोरी पानी लिया है इसके अंदर, इसी में हम सारे मसाले मिक्स करेंगे पानी के अंदर। इसमें मैं डालूंगी धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। अब हमारा तेल भी इधर गर्म हो चुका है, तेल में हम डालेंगे राई और जीरा, ये देखिए ये चटक रहा है। अब इसी में डाल दूंगी हरी मिर्च। अब इस पानी को हम इसके अंदर छोंक देंगे सावधानी से, ये थोड़ा सा उछलता है तो ध्यान रखिएगा। और पानी में बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे, जब पानी बॉयल होगा तब हम पापड़ को मिक्स करेंगे। देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से खोल गया है, अब इसमें मिलाएंगे पापड़। पापड़ को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है क्योंकि बहुत जल्दी गल जाएगा गर्म पानी में, ये देखिए इस तरह से। और एक उबाल आने तक हम इसको रखेंगे। अब इसमें मिला देंगे हरा धनिया, ये देखिए हमारे पापड़ की सब्जी तैयार हो गई है। इस पापड़ की सब्जी को आप रोटी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में टेस्टी लगती है। और जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरी बनाई हुई पापड़ की सब्जी कैसे लगी।